नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, साइंस चैप्टर नंबर बे सॉरी पेपर नंबर बे विभाग बी 37वां क्वेश्चन बहुत सिंपल तटस्थीकरण बीजा पाठ माथी पूछेलो प्रश्न एसिड बेज अने क्षार अने तमे भणी गया आना जेवो सिंपल क्वेश्चन एक पण नहीं। तमने खबर छे एसिड अने बेज वच्चे प्रक्रिया थाय क्षार अने पाणी बने एने तटस्थीकरण प्रक्रिया कहेवाय। तो मित्रों पहेला वेला तो तमारे केवू पड़े के एसिड नी कोनी साथे बेज साथे प्रक्रिया करता बे विरोधी प्रकृति धरावता पदार्थो छे। आम तमे जारे एसिड अने बेज ने भेगा करो छो त्यारे एसिड द्वारा बेज नी असर नाबूद थाय छे, बेज द्वारा एसिड नी असर नाबूद थाय छे। आम एसिड नी बेज साथे प्रक्रिया करता एसिड द्वारा बेज नी असर दूर थाय छे अने बेज द्वारा શું મિત્રો એસિડની અસર દૂર થાય છે એને તટસ્થીકરણ કહેવાય અને નિપજ શું બને ક્ષાર અને પાણી। એટલે આપણે કહી શકીએ કે એસિડની બેઝ સાથે प्रक्रिया करता क्षार अने पानी बने छे। आ प्रक्रिया ने तटस्थीकरण कहे छे। एसिड नी बेज साथे प्रक्रिया करता क्षार अने पानी बने छे। उदाहरण आपो, लई लियो सिंपल, बधाई ने गमतो होय एवो एसिड HCl। मित्रो कयो एसिड छे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स તમને ખબર છે એને સીએલ સાથે જોડાઈને ક્ષાર બનાવશે એને સીએલ પ્લસ પાણી એટલે H2O। આ સોડિયમ ક્લોરાઇડ સંતુલન કરવાની જરૂર નથી। આમ જો શબ્દમાં આપણે સમીકરણ લખીએ તો આ રીતે લખી શકાય। આ શું છે? તો કે એસિડ પ્લસ આ શું છે? તો કે બેઝ, એની વચ્ચે પ્રક્રિયા થઈ તો બેઝનો શું? ક્ષાર પ્લસ પાણી, સોડિયમ ક્લોરાઇડ ક્ષાર છે। આના જેવો ઇઝી ક્વેશ્ચન એક પણ ન હોઈ શકે। ઓકે મિત્રો, તો આ હતું આપણું તટસ્થી કરણ સમીકરણ। જોઈ લેજો, આભાર।